इस वक्त मैं मौजूद हूँ बराज जिले के कतरनिया वन्यजीव प्रभाग के चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की आदमकद प्रतिमा यहाँ पे लगी है, जिसको लगवाया है सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इस पर लिखा हुआ है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में गिरजा बैराज का नामकरण चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज योजक नहर का नामकरण चौधरी चरण सिंह किसान योजक नहर पे किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे सामने जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक प्रतिमा है चौधरी चरण सिंह की, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा रह चुके हैं, उनके नाम पर इस बैराज का नाम पड़ा हुआ है, जो बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही खूबसूरत है। जब हम लोग शहरों में रहते हैं तो वहाँ की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लंबी लंबी गाड़ियाँ, उसके हॉर्न, आवाज़, पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हम लोग प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन आज जब हम लोग यहाँ पे आए, जैसा कि जब मैं अपने साथियों के साथ, हमारे जो सब एडिटर साहब हैं तबरेज साहब और दीपक जी जो हमारे साथी हैं और हमारे रिपोर्टर भी हैं, जब हम लोग आ रहे थे, रास्ते में हमने एक पोस्ट किया था, फेसबुक पे पोस्ट किया था, तबरेज साहब ने पोस्ट किया था कि हम लोग चल रहे हैं बहराइच ज़िले में, जहाँ पर हम लोग अपने जो हमारे ख़ास प्रोग्राम है चलो गांव की ओर और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, जो हमारे दो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसको शूट करने के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ की स्थानीय जनता जो कुछ बन ग्राम में रहती हैं, कुछ राजस्व ग्राम में रहती हैं, उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे और उनके पक्ष को जानेंगे। लेकिन उसके पहले जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो देख रहे हैं यहाँ की खूबसूरती, जब इन सब चीज़ों को देखा हमने तो हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि ये सारी चीज़ें आपको भी दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। हम अपने आप को रोक नहीं पाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सीधे चलूँगा तबरेज़ अहमद साहब के पास, अपने सब एडिटर साहब के पास, पूछूँगा उनसे कि उन्हें कैसा लग रहा है, यहाँ के बारे में क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक हमने लोगों का इंटरव्यू किया है, आज पहली बार ऐसा दुर्लभ संयोग हो रहा है कि हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं शायद कि हम लोग का कोई बातचीत करता हुआ या कुछ इंटरव्यू टाइप का वीडियो सामने आया हो। कैसा लग रहा है आपको, पहली बार? बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका जी। और वाकई ये पहला ऐसा मौका है कि जब हम लोग आपस में इस तरीके से कहीं पर आकर बात कर रहे हैं। और जहाँ तक अगर हम बात करें, ये चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज जो कतरनिया के इलाके में है और बहराइच जनपद में मुख्यालय से 120 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, और वाकई ये ऐसी जगह है कि जहाँ के बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए कम पड़ेगी, क्योंकि इत्तफाक से मेरा ये तीसरी बार यहाँ पे आना हुआ है। मैं इसके पहले दो बार घूमने की नीयत से आ चुका हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है, और आज तीसरी बार हम लोग यहाँ पर आए हैं जिसमें घूमना और हमारी स्टोरी और रिपोर्टिंग ये चीज़ें मिक्स हैं। और ये बहुत ही अच्छी जगह है, अगर हम शहर की भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी से कुछ पल सुकून के बिताना चाहें तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेस्ट जगह है। हमारे पीछे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, जो बहुत ही महान नेता रहे हैं देश के, उनकी प्रतिमा लगी है। क्या सोचते हैं, इनको इतने करीब से देखना कैसा लग रहा है? तो ये अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभूति है कि जो पहले, आज के पहले जो पूर्व में लोगों ने हमारी इस तरह की महान हस्तियाँ गुजरी हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, योगदान दिया है, और पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, किसानों की काफ़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी है, मसीहा भी इन्हें किसानों का कहा जाता है, और उनकी ही याद में इस बैराज का जो है नामकरण किया गया था, चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज, और उनकी ये यहाँ पर स्मृति में ये अनावरण हुआ था यहाँ पर, पीछे उनकी जो है मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है। तो वाकई जो हमारे पूर्व पहले के लोग जो गुजरे हैं, जिन्होंने एक कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आज उनकी स्मृति में और इस तरह की चीज़ों को डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे आप जैसे बहुत सारे लोगों को, तमाम यहाँ पर्यटक भी आते हैं जिनको यहाँ पर घूमने, जानने और समझने का मौका मिलता है। और इस नदी पे जहाँ पे ये बैराज बना है, इसकी भी एक अपनी महत्वता है। और ये नदी जो है पीछे जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये नदी नेपाल से होकर आती है और दो नदियाँ इसमें आती हैं, नाम एग्जैक्टली मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, दो नदियाँ यहाँ पर आती हैं और जो इंडिया में यहाँ पर इस बैराज पर उनका जो है मिलन कह सकते हैं या समागम जो भी कहिए, और बैराज को जब ये पार करती हैं तो इस बैराज के इस पार जाकर यहाँ से घाघरा नदी की उत्पत्ति होती है, और इसीलिए ये चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज है। घाघरा नदी से शायद हमें बताया गया, शायद यहाँ से 18 जिलों को लगभग पानी जाता है नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए। जी जी जी, यहाँ सिंचाई के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे क्षेत्र में ये फैला हुआ है। क्या लगता है आपको, यहाँ की खूबसूरत नज़ारों को हमें अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहिए? तो बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि यहाँ जो जंगल है, अभी तो हम नदी के किनारे यहाँ बैराज पे मैंने देखा कि काफ़ी खूबसूरत फूल उल लगे हैं एकदम से, मैंने बहुत ही, मेरे लिए तो ऐसा क्षण है कि मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ शब्दों में। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग चले एक बार अपने दर्शकों को भी दिखाएं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर जो खासकर ये बांध के किनारे ये जो तमाम एरियाज़ ये पीछे भी आप देख रहे होंगे और उधर साइड में भी हैं कि यहाँ पर फूल पत्ती वगैरह पार्क की तरह इसको डेवलप किया गया है कि आप जैसे जनरली होता है कि बैराज हम समझते हैं कि लोहे के गार्डर और इस तरह के गेट और ये सब चीज़ें लगी होंगी, वहाँ पर हम क्या देखेंगे। तो यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे फूल पत्तियाँ और गमले इस तरह के और डेवलप किया गया है कि ये भी एक देखने में बहुत अच्छा लगता है। और साथ में एक एडवांटेज और मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें कि मुझे जो पर्सनली एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ये जो पुल है, इस पुल की जो सड़क है इसके जस्ट बिल्कुल सटे हुए यहाँ पर रेलवे लाइन जाती है। अच्छा, उसको भी और ये बिल्कुल सटे हुए हैं, बिल्कुल जस्ट बगल में है और ये इसकी खूबसूरती, इसका नज़ारा और बढ़ जाता है कि जब आप इस सड़क से गुजर रहे हो और आपके बगल में कोई ट्रेन चल रही हो तो वो नज़ारा अपने आप में जैसे पुराने फिल्मों की याद दिलाता है कि हम लोग तमाम पिक्चरों में देखते थे कि गाड़ियाँ चलती थी और हीरो गाड़ी में होता था या और हीरोइन ट्रेन से सफ़र करती थी, सपनों की रानी का भाई। हाँ, जैसे ये गाना था तो वो इस तरह की कुछ फीलिंग यहाँ पर आती है। हाँ। और अगर हम जंगल की बात करें तो जंगल यहाँ पर 550 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ बहुत ही विशाल जंगल है जो यहाँ से नेपाल तक फैला हुआ है। हाँ। और अभी तो हम यहाँ नदी के पोर्शन पे हैं, जब हम लोग जंगल में चलेंगे तो दर्शकों को अपने हम दिखाएंगे। तो चलें वो देखें पहले रेल की पटरियां कैसी हैं, बिल्कुल, किस बिल्कुल। तरह से फिर उसके बाद जो यहाँ पे फूल पौधे लगे हुए हैं, मुझे बहुत सारे गुलाब ऐसे देखने को मिले जो सफ़ेद हैं, काले हैं, और गुलाब तो गुलाब होते ही हैं, उन सभी को दिखाते हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं तो हम लोग उस चीज़ को भी दिखाएं दर्शकों को ताकि। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल लूँगा कि प्रकृति से आपका जुड़ाव कितना है, कितने करीब हैं आप? देखिए, प्रकृति से करीब की बात तो मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका प्रकृति के प्रति लगाव ना हो। नहीं, अक्सर लोग होता ना जो इस जगह पे के रहने वाले लोग होंगे उनके लिए ये होता होगा कि काश हम शहर में होते और हम लोग को जब मौका मिलता है तो हम लोग जंगल की तरफ भाग के आते हैं, कहते हैं कि काश हम लोग ये जिंदगी भर के लिए यहीं रुक जाते। जैसे एक बात कही जाती है कि अपोजिट्स अट्रैक्ट्स, जो अपोजिट होता है वो अट्रैक्ट करता है, यानी कि जो लोग शहरों की चकाचौंध में हैं, दिन भर गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं, तमाम शोरगुल हैं और पॉल्यूशन है, तमाम चीज़ें हैं, हम उसमें दिन भर अपने बिजी लाइफ में उलझे हुए हैं, तो हमारी ये इच्छा होती है कि हम कहीं ऐसी जगह चलें जहाँ पर हमें हरे भरे दृश्य मिले, नदी नाले झरने इस तरह की चीज़ें हों, सुकून का पल हो, ये चीज़ें हम खोजते हैं। और जो ऐसी जगहों पर रहते हैं उनको लगता है कि हमें शहरों में चलना चाहिए, मॉल देखना चाहिए, सड़कें देखनी चाहिए, इस तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखनी चाहिए, तो ये अपोजिट जो है अट्रैक्ट करता है। तो शायद ये भी वजह है कि हम लोग ऐसी भीड़भाड़ की जगहों पे रहते हैं तो ऐसी सुकून की जगहों पे आना चाहते हैं, और जो लोग ऐसे शांतिप्रिय और सिंपल जगहों पे रहते हैं उनकी इच्छा होती है कि हम शहरों की चकाचौंध को देखें। तो ये अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली बात मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी लागू होती है। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं रेलवे ट्रैक को देखना और जो यहाँ के हरे भरे दृश्य हैं, मनोरम दृश्य, उसको देखना शुरू करते हैं। तो चलते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग आपको वो भी दिखाएंगे जिस बैराज पर हम लोग खड़े हैं, आप ये बैराज देख सकते हैं पीछे मेरे बिल्कुल, थोड़ा सा जुनेद आप उस पर फोकस करें, देखिए यहाँ पे 35 नंबर पड़ा है, 34 नंबर, इस तरह से नंबर्स पड़े हुए हैं और ये लोहे के सब लोहे के ही है ना, लोहे के सब बड़े बड़े गाटर्स लगे हुए हैं और इस नदी पर ये बैराज बना हुआ है और यहीं से घाघरा नदी निकल करके जाती है। और जिस सड़क की हम लोग बात कर रहे थे, जिस सड़क पे अभी थोड़ी देर हम लोग पहले खड़े होकर के बात कर रहे थे, तो वो ये सड़क जा रही है जस्ट बैराज इसी पे बना हुआ है, इसी पे ये पुल बना हुआ है, बैराज के बाजू में ही ये सड़क है। और जिस रेलवे ट्रैक की मैं बात कर रहा था, जुनेद थोड़ा दिखाएं यहाँ पे रेलवे ट्रैक, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे के कुछ कर्मचारी भी काम करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे इस ट्रैक पे। ये जो मतलब ऐसा बहुत कम जगहों पे आपको देखने को मिल सकता है, मेरी लाइफ का तो ये पहला एक्सपीरियंस है कि एक तरफ बैराज, दूसरी तरफ ये सड़क का पुल है, पुल है जिस पे सड़क बनी हुई है, और तीसरा ये रेलवे ट्रैक। इस तरह का दुर्लभ सहयोग मुझे तो नहीं दिखा। मैं बात करता हूँ अपने एक और सहयोगी दीपक कुमार से। दीपक, क्या आपको क्या लगता है, आपके हाथ में डायरी पेन है, इस तरफ से आ जाएं थोड़ा, आपके हाथ में डायरी पेन है, एक एक चीज़ को आप नोटिस कर रहे हैं, आपको क्या ऐसा दुर्लभ संयोग कहीं पे देखने को मिला है कि सड़क हो, बैराज हो और रेलवे का ट्रैक? नहीं नहीं, हमने सुना था लेकिन यहाँ आके देखे तो हमको यहाँ अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जाने का मन कर रहा है यहाँ से? नहीं, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। क्या खास लग रहा है यहाँ? खास यहाँ प्राकृतिक हवा, शुद्ध हवा चल रही है एकदम। यहाँ आने का मतलब समझ लीजिए हम स्वर्ग जैसे बात करते हैं सब लोग,
कि हम स्वर्ग देखा नहीं लेकिन फील यहाँ पे फीलिंग हो रही है स्वर्ग, जैसे स्वर्ग स्वर्ग में है। तो क्या लगता है हम लोग को चैनल ओनल का हेड ऑफिस यहीं ला के शिफ्ट कर देना चाहिए और यहीं पे रहना चाहिए, मजा आएगा? हाँ बिल्कुल, शेर भाई भी मुलाकात होगी, है ना, भाई से भी मुलाकात होगी। हाँ, तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने हमको बताया, बात किया उन्होंने कि उनको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। तबरेज साहब हैं, सब एडिटर साहब हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा क्षण आया जब आपको ये लगा हो बैराज, पुल, पुल पे सड़क और ये फिर रेलवे ट्रैक, ऐसा कहीं देखा है आपने? नहीं, अगर इस सिचुएशन की बात की जाए कि जहाँ ये नदी के ऊपर ये पुल बना है और एक ये सड़क है और ये रेलवे ट्रैक है, ये जो कॉम्बिनेशन है कि यहीं आपको नदी का भी आनंद आ सकता है और सड़क है यहाँ से भी आप, और यहाँ रेल की पटरी है, अगर इस समय रेल आ जाए, मतलब ये बहुत ही अनोखा संगम आप कह सकते हैं, यूनिक चीज़ है ये, हर जगह आपको ये रेयर कॉम्बिनेशन है, हर जगह आपको आसानी से मिलने वाली चीज़ें नहीं है। तो आप देख रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से ये रेलवे ट्रैक है, फिर उसके बाद ये इस नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। अच्छा, एक बात अगर पानी की जाए, जुने थोड़ा सा करीब आके दिखाएं, पानी एकदम बिल्कुल शफाफ यानी कि साफ पानी है और एकदम आसमानी कलर का नीला साफ पानी, इस तरह से देखना बहुत कम देखने को मिलता है। इसके पीछे वजह ये हो सकती है, तबरे सर जी, इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि ये पानी हमेशा रनिंग कंडीशन में, इस वजह से पानी साफ है। हाँ, ये पानी चूंकि बहता हुआ पानी वैसे भी साफ माना जाता है, उसको गंदा नहीं कहा जाता है, और ये बहता हुआ पानी है और काफ़ी विशाल अगर एरिया आप देख रहे हैं, अगर कैमरा आप, मैं चाहूँगा जुनेद साहब से कि कैमरे को थोड़ा सा नदी की तरफ अगर आप घुमा दें कि कितना मतलब विशाल रेंज दोनों तरफ है, और इसकी वजह से, और ये काफ़ी दूर से ये नदी भी चल के आती है, नेपाल वगैरह ये सारे जो है इस कंट्रीज से होके आती है ये नदी, और इस वजह से ये बहता हुआ पानी है, नदी है, इस वजह से इसका पानी साफ रहता है जी। अब देर ना करते हुए सीधा हम लोग रुक करेंगे वो फूलों के बागीचे जहाँ बने हुए हैं जी, उसको थोड़ा सा दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह के मनमोहक आकर्षक फूल लगे हुए हैं जी। चलें फिर। ठीक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग उन फूलों और पौधों के बीच में भी चलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दाहिने तरफ से, यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से फूल पौधे लगे हुए हैं, और भी उसकी तरफ आगे की तरफ अगर मैं चाहूँ आपको दिखाना, वहाँ दिखाइए ज़रा, वहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरह से फूल पौधे लगे हुए हैं, चारों तरफ हरियाली, लाल, नीले, पीले, हर रंग के फूलों से सजा हुआ है ये घाघरा बैराज, आप देख सकते हैं। और इन फूलों को भी देखिए जो मेरे सामने बिल्कुल एकदम, एक गाना है ना कि मैंने कहा फूलों से तो खिलखिला के हंस दिए, ये बिल्कुल हंस रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं, प्रकृति का ऐसा मनोरम दृश्य शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा हो। और साथ ही आपको बता दूं कि मेरे इस तरफ देख रहे हैं आप, एक नदी का पानी रोका गया है, आप देख सकते हैं ये पानी का जलस्तर काफ़ी ऊँचाई पर है और नीचे भी पानी है, यानी कि इस पानी को होल्ड किया गया है, बताया गया है कि कई लाख क्यूसेक पानी रोका गया है यहाँ पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जो शायद उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, इतना बड़ा बैराज पे पानी रोकने की जो यहाँ पे व्यवस्था है इस तरह से कहीं नहीं है। आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं नदी के बीचों बीच एक लगभग 200 मीटर या 250 मीटर जो भी कह लें, यहाँ से देखने में कम लग रहा है लेकिन कुछ है, 200 से 250 मीटर कुछ बना हुआ है जिसको केनोपी, क्या कहते हैं, केनोपी कहते हैं ना, केनोपी कहा जाता है, नदी के बीचों बीच एक काफ़ी विहंगम दृश्य है वहाँ का, हम आपको वहाँ भी दूसरे वीडियो में लेके जाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी अब लंबी हो रही है, इसको हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे, दूसरे वीडियो में वहाँ के बारे में आपको दिखाएंगे बताएंगे। साथ ही आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेरे पीछे कुछ इस तरह के हैं फूलों के पौधे लगे हुए हैं और काफ़ी मनोरम दृश्य है, यहाँ का पानी एकदम नीला है, बहुत ही खूबसूरत है। कैसा लग रहा है सर, यहीं से हम लोग ख़त्म करेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ के इस मनोरम दृश्य को देखकर? ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और वाकई अगर बात की जाए तो जैसा कि अभी हमारे दीपक भाई ने कहा था कि वाकई अगर यहाँ आप आ जाएँ तो यहाँ से जाने का मन नहीं होगा आपका, आप अगर 2 दिन का प्लान है तो आपको इच्छा होगी कि 4 दिन रुक जाएँ, और ये सिर्फ एक पार्ट है, ये इस जगह का सिर्फ एक पार्ट है, और बाकी अभी जो कतरनिया नदी है वो नदी अभी बाकी है ओरिजिनल, जहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं और तमाम वहाँ पे डॉल्फिन वगैरह भी हैं सारे, जी हाँ डॉल्फिन मछलियाँ हैं, और पेड़ के ऊपर हट बने हुए हैं जो स्टे करने के लिए, उसकी भी बुकिंग वगैरह होती हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी जगह है, और जंगल है, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको घूमने के लिए अपने आप में एक परफेक्ट पैकेज है।
दीपक बताएं आप, जाने का मन कर रहा है? नहीं, जाने का मन तो नहीं कर रहा। जाएंगे कि नहीं? नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे तो जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन काम कुछ ऐसा है, हम लोगों को एक जगह पे रह नहीं सकते, जाना ही है। जैसा कि तबरेज़ भाई ने बताया कि हम लोग जाएंगे अभी कतनिया नदी, वहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है, वहाँ पे पेड़ों के ऊपर झोपड़े बने हुए हैं, वहाँ पे हम आपको मगरमच्छ भी दिखाएंगे, वहाँ पे हम आपको अगर संयोग अच्छा रहा तो डॉल्फिन्स भी हमको देखने को मिल सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये अभियान शुरू हो चुका है, कतनिया वन्यजीव प्रभाग में हम लोग हैं, और हम लोग जो शुरू किए हैं चलो गांव की ओर, अपना कार्यक्रम है हमारा चलो गांव की ओर और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ कतनिया का जो इतिहास है, यहाँ की जो एंटिक चीज़ें हैं, जो बढ़िया चीज़ें हैं, जिसको लगता है हमें कि ये आपको दिखाना चाहिए, शायद हमारे बहुत सारे दर्शक, शायद क्या, बहुत सारे ऐसे ही दर्शक होंगे जिन्होंने कभी इस तरह के डीप जंगल की चीज़ों को नहीं देखा होगा, वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना महाअभियान, और आप भी दिल थाम करके बैठे रहिए, देखते रहिए CIB इंडिया न्यूज़ पे। ये जो शुरू होगा आज से कारवां खबरों का, वो बिल्कुल अलग होगा, एकदम से अद्भुत होगा, आपको एक ऐसे संसार में, एक ऐसे रोमांचक संसार में ले जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो तैयार रहिए और देखते रहिए CIB इंडिया न्यूज़। शुक्रिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।